गंदे कूड़े में गंदगी में पड़ा हुआ है, जा उसको कह दे हम आ रहे हैं। मुलकराज जी की बाहर की बंद आंखें रहती थी, अंदर से खुली रहती थी। कहीं भी जाते थे बाहर की बंद रहती थी। तब लोगों ने शिकायत कर दी प्रभु जी से आकर, प्रभु जी भाई जी बचपन था, बुद्धि नहीं थी उतनी। तेरी माया का और मैं ये भजन सुना रही हूँ। आदेश दे दिया मुझे जबरदस्ती, इतने बेटे पाल रखे थे आश्रमों में भी बाहर भी, और मेरे को आदेश दिए कि प्रभु जी की आज्ञा मुझे है, मेरी आज्ञा तुम्हें है,
जब यह आदेश इसलिए आखिरी सांस तक मानना पड़ेगा। महाराज जी शब्द बोले, आखिरी सांस तक मुझे प्रभु जी की आज्ञा है, श्री प्रभु जी का प्रचार करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप तो आज्ञा है मुझे भी, मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, पेश में आके बोले हाँ ठीक है, तुम्हें आज्ञा नहीं है तो कान खोल के सुन लो, प्रभु जी की आज्ञा मुझे है तो मेरी आज्ञा। इसलिए दीन बंधु की सेवा है, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरे अर्पण क्या लागेगी। तो इसलिए बातें बहुत होती हैं। अब महाराज जी ऋषिकेश में है, छोटी अवस्था है, घटना क्या घट रही है। प्रभु रामलाल जो जंगल में जा रहे थे, तो अंतर्यामी श्री प्रभु जी इतनी दूर होने के बाद भी उस मैन को भेज रहे हैं, जो कदम आगे बढ़ा दिया इसको पीछे हटा लो। बचपन से ही प्रभु जी के आदेश का कितना पालन किया दीन बंधु ने, सोच लो, और हम कितना कर रहे हैं। जिस समय प्रभु जी का पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही अपने कदम को पीछे हटा दिया और कदम हटा करके सब स्नान वगैरह कर दिया, धोती कुर्ता पहन लिया, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आश्रम वापस लौट कर दीना वेश उतार, उन वस्त्र अपने बही लीने तन पर भाया थको तुख एक दिन ऋषिकेश में योगेंद्र को धोती व कुर्ता निज वसन पहना दिए प्रिय चंद्र, बोले तुम्हें सुत प्राप्त कुल अतुलित है योगिक संपरा। आवाज के अनुसार ये आवाज बनती क्या, जैसी जोर से आवाज है तो जोर से बजाओ, पर मैं धीमे बोलती हूँ तो धीमे। बरसात कर अब योग की, संसार को जो की दिखा, संसार को जो की दिखा, जगह जगह जग में किया योग ध्यान का प्रचार, हरियाणा पंजाब क्या यूपी बंद दिखार, इतना ही नहीं आंध्र और महाराष्ट्र हिमाचल जम्मू और कश्मीर मुझे सब जगह लेके गए, इसलिए वो लिखना पड़ा।
बिखराया कुल देश में अनुपम यो गया वीर महाप्रभु रामलाल की जय ये तो अपने देश की बातें हैं। विदेश से भी लंदन से दो टिकट आ गए थे हमारे। मैंने कहा इनसे क्या प्रोग्राम है आपका, तब महाराज जी ने उठा के फेंक दिए टिकटों को, बोले हमें नहीं विदेश जाना। तो ये तो उनकी मर्जी। योगी के सम्मेलन किए जगह जगह पर घूमा, प्रभु कुल का गौरव बढ़ा सदा मचाई रहे योगी के संस्थान के भारत के अध्यक्ष फैले योग प्रकाश बस इनका था यह लक्ष्य। राम तट लाहौर में प्यारा आश्रम था प्रभु जी का वहाँ श्री मोहन पहुँचे जाई योग की भारी मोह बचाई जो भी आकर शरण पधारा उन सब का हर दुख निवारा कालांतर ही आप निभाई चित्र गुफा निज पीठ बनाई प्रभु का उसके बाद सब महाराज जी का खेल रहा। जब मैं आई थी आश्रम में केवल एक महाराज जी का कमरा था, सिद्ध गुफा पर तो कमरा था ही, ये भी महाराज जी ने बनवाया था क्योंकि पहले कच्ची ईंटों का था ये कमरा। अब एक झोपड़ी गुफा के आगे इधर की तरफ बनी हुई थी, एक झोपड़ी इधर बनी हुई थी। पहले दिन जब मैं आई तो महाराज जी ने माता जी को और मुझे अपने कमरे में ऐसे सुला दिया इस स्टोर की तरफ पैर करके, यहां सो जाओ तुम दोनों। पहले दिन तो अंदर सुलाई, गर्मी के दिन थे। अगले दिन रात को बाहर अपना पलंग लगवा लिया कमरे के बाहर चबूतरे पर, कच्चा था बिल्कुल उस वक्त। महाराज जी का ऐसे पलंग पड़ा था यूं, और क्या किया उन्होंने, एक बड़ा बक्सा उनका साथ रहता था, एक बिस्तर पर दोनों को अंदर से निकलवा के अपने पलंग के नीचे यूं लगवा दिया। हम दोनों को कह दिया माता जी को मुझे, तुम इधर की तरफ सो जाओ दोनों, पहले इधर तुम सो, इधर तुम्हारी माता जी इधर की तरफ। रामाश्चर था उस वक्त बहुत पुराना, ज्यादा लोग कोई नहीं थे, ये पंखा कर रहा था, गर्मी का समय था।
मैं सोचा करती थी ये बक्से और ये क्यों रखवाए मैंने नीचे। तब मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा ये बक्से और सामान क्यों रखवाया इसके नीचे? बोले यूं करने लगे। मैंने कहा बात बताओ सही सही। अरे अरे करने लगे। मैंने कहा बता था वो ये सामान यहाँ क्यों डलवा दिया? अरे इधर कोई सोएगा तो इधर तुम सोई हो, किसी का हाथ पैर इधर को आ गया तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये मेरे रखा है। एक एक बात याद आती है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, सारी रात मैं बैठी रह गई, बार बार उठ के देख रही थी यहाँ जंगल में कहाँ आ गए। जंगल में छोटी उम्र थी, इंटर करके आई थी, जंगलों में आकर तो समय नहीं थी रहने की, अब तो सब सर की आदत पड़ गई। बोलो सतगुरुदेव। सबसे पहले मेरे लिए कमरा बनवाए महिला निवास की तरफ, फिर सामने द्रौपदी जी का कमरा बनवाया हॉल, फिर धीरे धीरे करके महिला निवास उसके ऊपर नाम रख दिया, ताला बंद करके चाबी अपने हाथ से अपने कमरे में टांगते थे, किसी का विश्वास नहीं था। शुरू चैनल भी लगवा दिया था सामने से आ गया। अब वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या करती थी, मंगनी तो उनका काम है। अब क्या हुआ? राम तट लाहौर में प्यारा आश्रम था प्रभु जी का न्यार, वहाँ श्री मोहन पहुँचे जाई, योग की भारी धूम मचाई, जो भी आकर शरण पधारा उन सबका हर दुख निवारा, कालांतर ही आप निभाई चिंद गुफा पीठ बनाई, प्रभु का प्यारा हुए हैं इन पर पूर्ण प्रभु की
का नाम था रघुनंदन प्रसाद फिरोजाबाद के रहने वाले महात्मा था। मैंने उसको देखा ना, कहाँ देखा, वहीं फिरोजाबाद गए हुए घूमने। मेरे मन में आ रहा था, महाराज जी से बोला हम फिरोजाबाद जा रहे थे। मैंने कहा जी कौन सा है टाट वाला आपका बेटा, जरा मुझे दिखा दो। हाँ दिखाऊंगा। सारे रास्ते करते चले गए और जब आश्रम आया सामने तो मैंने कहा रुक के शायद वहां चलते होंगे अंदर। गए गए फिर कुछ नहीं, थोड़ा अहंकारी कुछ अशुद्धियां भी इसीलिए नहीं गए होंगे, तो कहाँ हर जगह चले जाते हैं। मेरे से कहने लगे हाँ चलो हाँ मुझे बताओ भी नहीं पूरी बात। एकदम क्या देखा, अपने आश्रम की छत पर सामने ही बैठा था उस दिन। हम निकल रहे थे तो ये बोले कि ये है उसका आश्रम। मैंने कहा चलो फिर उसका बेटा है तो देखने में क्या आ रहा है। नहीं तुम आया हो क्या ना, तो मैंने कहा मैं नहीं हो गया थी, जब बाप नहीं जाऊंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने कहा चलो चलो मैंने देख लिया इसको सारे का साथ। क्या हुआ, रघुनंदन प्रसाद काशी में बनारस में भगवान शिव के मंदिर में ये आया कैसे था, महाराज जी के चरणों रहता था काशी के अंदर विश्वनाथ के मंदिर शिव भक्ति में खूब रमाता खूब जमाता करता विनय प्रभु दर्श दिखाओ मम जीवन के काट बनाओ खुश हुए एक दिन अवधर दानी मंदिर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए काशी में शंकर जी की स्तुति कर रहा था बराबर तो एक आवाज आती है आकाशवाणी होती है धाम समाई या अब प्यारे वाणी की आवाज आती है भगवान शिव की वाणी है और क्या है। हमारे इस स्कूल में दर्शन वहीं पर होंगे समय चलाएगा पूर्ण मनोरथ होए तुम्हारा सच्चा दरबार हमारा फिर शिव ने जो रूप दिखाया
प्रेरित हर्षित उर गाए चित्त गोपाल नंदन आए काशी में जो छवि दिखलाई वही मोहन से मिली सवाई। महाराज जी उस समय चंडी के पहाड़ पर अनुष्ठान करने गए हुए थे। रघुनंदन पहुंच गया। कैसे पहुंचा? आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा सिद्ध के पास समाई जाओ। अब इस बेचारे को क्या पता समाई कहाँ है, गुफा कहाँ है। बनारस से बैठकर के ट्रेन में दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर के जो स्टेशन पर लोग बैठे रहते हैं उनसे पूछने लगा, अरे भाई ये समाई कहाँ है, समाई कहाँ है। और समाई के लोग ही वहां पर मिल गए, बरहन के थे लोग। अरे हम ही जानते हैं, हम समाई के बगल में ही रहते हैं, वहीं जाना है। बोले हैं ट्रेन में बैठ करके चल दिए तो क्या हुआ, रघुनंदन पहुंचे हैं। कहने लगे ये है देखो सिद्ध गुफा, समाई वहां छोड़ दिया। रघुनंदन अंदर गया, उस समय महाराज जी थे चंडी के पहाड़ पर गए हुए थे। अंदर लक्ष्मी नारायण बैठा हुआ था। तो रघुनंदन अंदर गए, प्रणाम करने लगे, पूछा अरे भाई यहाँ के गुरुदेव कहाँ हैं। बोले वो तो चंडी के पहाड़ पर गए हुए हैं, लेकिन अच्छा उदास होने लगा। जो भी उदास होने लगा, श्री महाराज की धोती कुर्ता पहन के गुफा के द्वार पर खड़े हो गया। अब ये चक्कर में पड़ गया, बोले हैं ये तो आ गए, ये तो आ गए, ये कह रहे चंडी के पहाड़ पे। महाराज जी उसी समय वहां आ गए। बोलो रघुनंदन गुरु दीक्षा ली और तपस्या जट कर की, गुरु कृपा से गति मति पाई, बन गया सिद्धि शक्ति वाला, शंकराचारी कुछ कोटि के थे तपधारी, महिमा श्री मोहन की गाते, पूर्ण योग सम्राट बताते, मोहन की गति मोहन जाने, क्या अल्पज्ञ उन्हें पहचाने, गति गहरी गागर बीच सागर, योगे पर दुर्योग दिवाकर, कोई कर सका जितना इनका काम, अंग संग इनके सदा रहे प्रभु सुरदाम। प्रभु राम राम की जय, लोही राज मोहन की जय, प्रभु के सिपह सारा दृढ़ सिद्धों के सरताज जी, इनके ही बल से योग का डंका गया है बाज। पाकर शरण लाभ हुए दुखों का सागर पार जी, लीला अगम प्रभु की तरह इनकी अपरंपार, इनकी अपरंपार।
25 सन धन बै तन का पिंजरा तोड़ कर जा बैठे प्रभु की गोद में सबको बिलखता करके गए दिन रात जो सोवा प्रभु ने काम जी जग में बजाया योग का पावन बिगुल अभिरा बच्चों को अब भी कह रहे तुमसे कहा मैं पूर हूं जब भी पुकारो भाव से आने को तब मजबूर योगी बनो योगी बनो मेरा यही उपदेश है रक्षक सदा सबके प्रभु फिर क्या तुम्हें भय शेष योगी बालक प्रभु के प्यारे बालक योग्य परम उत्साही प्रभु ने किया प्रभु ने महाराज जी ये छोटे गुरु भाई थे बड़े थे नरसिंह मूर्ति जी गोपाल जी हरिहरा जाने कितने थे महात्मा ऋषि देवी जी द्रौपदी माता जी ये सब बड़े थे पहले आए हुए बड़े हो जाते हैं और बाद में आए हुए छोटे हो जाते हैं कौन कौन से सन में कब आए तुम मेरे से बड़े हो गए सब छोटी हूँ ना हाँ माँ छोटी बोलो साजे नरसिंह मूर्ति जी आंध्र प्रदेश के थे वो प्रभु जी की शरण में आ गए बालक योग्य पर महोत्साही पहले विद्या उसे पढ़ाया प्रभु ज्ञान परम कुशात्र बुद्धि की पाई करुण कृपा प्रभु जी की छाई अल्प काल में बन गए ज्ञानी के उत्तम विज्ञानी योग की प्रभु से दीक्षा पाए जीवन को सफल बनाए क्रिया योग की अति अनमोली सिखलाई प्रभु ने अन्य भी साधन योग के न्यारे प्रभु भक्ति नरसिंह की थी अति सरस अपार रहते थे श्री नाथ पर कन मन से श्री प्रभु जी ऋषि के आश्रम में बैठे हैं कुछ बच्चे भी हैं और नरसिंह मूर्ति जी भी बैठे हैं प्रभु जी कह रहे हैं अरे भाई गंगा के परली पार से एक पुस्तक लानी थी क्या करें पुस्तक कैसे लानी है कौन लाएगा कैसे करेगा एक बार बोले सुखदाई को जिह दे जो पुस्तक लाई स्वर्ग आश्रम तक जो जावे पुस्तक के द्वार से लावे शर्त तपुने एक लगाई हाल छुपे से पहले आई अरे भाई सूर्य अस्त होने
पहले पहले वो पुस्तक स्वर्ग आश्रम से इधर लानी है। हाँ हाँ सुनकर आ गया प्रभु तुम्हारी साथ गई संगत सारी। जितनी संगत बैठी हुई थी सब चुप हो गए, क्या करें कैसे करें, क्योंकि दिन थोड़ा था शेषा विशेषा। इतनी देर में नरसिंह मूर्ति जी उठे, नरसिंह उठे प्रभु मैं जाऊं तो आज्ञा दी उसे निभाऊं, भान छुपे से पहले आकर दूंगा पुस्तक आपको लाकर, दूंगा पुस्तक आपको लाकर, दूंगा पुस्तक आपको लाकर। सोने वालों को कैसे देखती हूँ मैं। नरसिंह मूर्ति जी गए, प्रभु जी सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं आपके चरणों में पुस्तक ले आऊंगा। आज्ञा दी प्रभु जी गद गद हो गए सुन नरसिंह की बात, आश्रम से ये चल दिए धुका प्रभु को धन्य शिष्य ये आज्ञाकारी, तारक की नहीं बल विचारी, तीव्र दौड़ नरसिंह पठाए लक्ष्मण झूला पुल पर आए, शाम का साया ढलता पाया सूरज गगन लाल हो आया, गति दौड़ की और बढ़ाई पहुंचे स्वर्ग आश्रम जाई, पुस्तक आए वहां से लीनी आज्ञा कितनी पूरी कीनी, मगर लगी जो शेष अधूरी करनी थी वह भी तो पूरी, नरसिंह मन में गणित लगाए लक्ष्मण झूले से जल जाए, पहुंचूंगा नहीं पुल तक जाई सूरत चुप जावेगा भाई। नरसिंह मूर्ति जी सोचने लगे अगर इस पुल से जाकर जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, सूर्य अस्त हो जाएगा, प्रभु जी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। तब क्या किया उन्होंने, लक्ष्मण झूला कर सके दिन रहते नहीं पार, मार्ग है लंबा काटना हो जाएगी बार, क्या किया नरसिंह मूर्ति जी ने, गुरु से प्रेम सत्य जो करते कभी न डरते, कभी न भय से कदम उठाए भक्त बड़े तो शीश कटाए, परम भक्त की यही निशानी देते सदगुरु पर कुर्बानी, नसिंग पड़े सोच में भाई डूब रहा सूरज जब माही, अरे सूर्य छिपता जा रहा कैसे करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे क्या अब यतन बनाऊं रहते पुस्तक पहुंचाऊं, विधि एक तब ध्यान में आई खतरनाक जो थी दुखदाई, बड़ी खतरनाक सोचा नरसिंह जी ने क्या, मगर नहीं था साहस छोड़ा मृत्यु भी बन सके न छोड़ा, परम धर्म गुरु आज्ञा पालन यही भक्त का कर्म है पावन, बहरे ही फूटे वेग से श्री गंगा की धार, सोचा अब भरनी वही होगी सरिता पार, अब तो एक ही उपाय है गंगा पार करके तैरता हुआ जाऊंगा, तैरता हुआ ही आ जाऊंगा।
पुस्तक लपेटी शीश पर तन के बसन को खोल कर गंगा में नरसिंह घुस गए प्रभु राम की जय। था वेग धारा का प्रबल अति बीच के स्थान में पड़ते रगड़ते बह चले गया पाषाणों के दरमियान घायल बदन होता गया खा पत्थरों की चोट जी साहस मगर त्यागा नहीं आए किनारे लौट। बोलो जल से निकल व्याकुल हुए जकड़न बदन में आ गई करते क्या इतनी चोट थी बेहोशी उनको देखा इधर प्रभु जी देख रहे हैं क्या देखा इधर श्रीनाथ ने छुपने को नभ में भान है बालक मेरा नदिया के तट अति दर्द से परे मन में द्रवित गिरधर हुए भक्तों के जो प्रतिपालती सत्संगी बच्चे भेज कर उठवा दिए तत्काल पुस्तक नरसिंह ने लगी ला प्रभु जी के घा तब अपने प्रिय बाल को कंठ लगाए फौरन पीड़ा हर लगी प्रभु जी ने तत्काल लाड प्यार दुलराय कर बालक किया निहाल महाप्रभु राम लाल की जय तुझी लाल चंद्र मोहन की जय। महाराज जी का बहुत प्यार था नरसिंह जी से मन के मौजी नरसिंह प्यारे चलते रहते थे दिन न्यारे प्रभु जी इन्हें सदा समझाते वीर सौम्य गंभीर बनाते मगर लड़कपन रहा था जारी सूझी क्या इनको एक बारी काम किया नरसिंह बचकाना श्री मोहन को शुरू चिड़ाना महाराज जी को चिड़ाना शुरू कर दिया नरसिंह मूर्ति जी ने आपस में छोटी छोटी उम्र की ना होता ही है आपस में तो क्या हुआ चित्र एक था उन पर भाई श्री राधा अनुपेक्ष कराई नरसिंह नित वह चित्र उठाते उसे उल्टा लटकाते मोहन कहते ये क्यों भाई नरसिंह कह यूं तब हंस जाए शीर्षासन हम इन्हें करावे दादा किनका कर्ज मिटावे समझ में आ रही है बात बोलो सांझे नरसिंह महाराज जी को भगवान कृष्ण बचपन में साथ में खेलते थे राधा कृष्ण जी की तस्वीर महाराज जी के पास थी नरसिंह मूर्ति जी उठाते हैं दोनों बैठे रहते थे वहां छोटे छोटे तो ऐसे उल्टे उल्टे करते रहते उल्टे करते रहते तो महाराज जी को चिढ़ाते हैं महाराज जी कहते हैं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हो हरियाणा स्टाइल में भी बोलना पड़ता था कभी कभी तो अब तो कहते मैं तुम्हारे राधा कृष्ण को शीर्षासन करा रहा हूँ उनके पेट में कब्ज हो गई है नरसिंह जी का बन गया बस यह नित्य ही काम देखते उसका खेल ये नित्य प्रभु श्री राम प्रभु जी ने यूं रोज नजर लगाते प्रभु जी तो समझाते उसको रगे रोज प्रभु रामलाल मगर श्री नरसिंह ने नहीं बदली जब चाल महाप्रभु रामलाल की जय जो भी लाल चंद्र मोहन की जय।
बोले तब प्रभु कृपा निधानी बात नहीं नरसिंह तुम्हारी। प्रभु जी क्या कह रहे हैं, अरे नरसिंह बात नहीं मानना मेरी। एक दिन नरसिंह अब वह आवे जिसको तू उल्टा लटकावे, जिसको तू उल्टा लटकावे ना, एक दिन ऐसा आएगा क्या उस राधा के लिए तू भाई रोवे नयन नीर बहाई, राधा राधा तू चिल्लावे लेकिन राधा नजर न आवे, तड़पे जो मछली बिन पानी की तुमने इतनी नादानी। प्रभु जी ने भरत समझाए मगर नहीं ये समझ आए, इसके कुछ दिन बाद की भाई राधा की याद सवाई, नरसिंह जी वृंदावन आए कष्ट बहुत था मन में छाया, भंडारी की पीठ जमाया खूब तड़ा तड़ कस कस मारे, भंडारी रोटे बेचारे जो गुरु दीक्षा दे रहा था ना उनको उसके बजाने शुरू कर दिए महाराज जी ने, ऋषि केश में बैठ के वृंदावन में बजाना शुरू कर दिया। श्री प्रभु जी का चिमटा आज भी ज्यों का त्यों ऋषि केश आश्रम में रखा हुआ। बोले नरसिंह आफत आई, उसके गुरु को पीटना शुरू किया जिससे दीक्षा ले रहे भाई अपने भाई के लिए कोई कुछ करेगा तो गुस्सा नहीं आएगी। लेकिन दीक्षा अब क्या हुआ, बोले नरसिंह आफत आई तुम्हारे ही गुरु भाई, अरे तुम्हारे ही गुरु भाई हैं ऋषिकेश में आसन डारे, चिमटे हम तुम्हारे वहीं से चिमटे तुम्हारे हम तुम्हारे, अरे मार दिया चिल्ला रहे बड़े गुरु थे वो उसका गुरु चिल्ला रहा आहा। लेकिन दीक्षा पूर्ण हुई है, दीक्षा पूर्ण हुई है अब तुम इष्ट श्री जी धारो, राम नारायण दास विचारो। नरसिंह मूर्ति जी का नाम क्या रख दिया उनके गुरु ने, नारायण दास। राधा रक्षा करे तुम्हारी इनके वश कुल कृष्ण मुरारी, योगी तपसी ज्ञानी ध्यानी सबसे वंदित राधा रानी, सखियों का समुदाय हमारा रहे अब पास तुम्हारा, रहनी सहनी भाषा बोली सास किशोरी ने सब बोली, श्री सखियों के झुंड में लगे थे करने वास, नगनी साड़ी पहन कर बने मुनी के पास पल पल राधा नाम, राधा बिन बेचैन ये तड़पे आँखों का महाप्रभु रामलाल की जय, दुखीरा चंद मोहन की जय। खुले नेत्र से ऋषिकेश से देखा वृंदावन धाम में, लग दुख हुआ श्री चंद्र को नरसिंह लगे इस काम, नरसिंह लगे इस काम में, वैष्णव किशोरी दास से नरसिंह थे दीक्षा पा रहे, मोहन में व्याकुल बड़े लग दृश्य के अकुला। जब भाई कहीं जाएगा किसी का तो मन में दुखी होगा क्या, दीक्षा मगर थी हो गई इस अल्प से की काल में,
नरसिंह यूं जाकर फंस गए वैष्णव गुरु के जाल में, गुरु के जाल में। बोला था वैष्णव संत तब नरसिंह सुनो एक बात है, चिमटे बजा गया मम बदन तेरा ही एक गुरु भ्रात करना फिकर मत अब कभी जीवन में उसकी बात की, राधा श्री को भज सदा शंका मिटे उत्पात। नरसिंह वेश नार का धारे मोहन सकल निहारे, साड़ी पहन कर नाचता गाता नहीं गुरु भाई की दचाय देखी माना देखी। अल्मोड़ा अल्मोड़ा खत लिखा था भाई प्रभुजी को सब दशा बताई, उस समय प्रभुजी अल्मोड़ा में थे। महाराज जी ने पत्र लिखते ही जल्दी मिल जाता था, एक घंटे में पत्र मिल जाता, महाराज जी कह रहे उस समय कहीं भी भेजते एक घंटे में मिल जाता था। महाराज जी ने पत्र लिख दिया, प्रभु जी को सब बात बता दी। पत्र नाथ का फौरन आया, उत्तर लिखवाया। उत्तर क्या दिया महाराज जी को आदेश, बोलो सतगुरुदेव। पत्र नाथ का फौरन आया, वृंदावन के अंदर भाई हो जाओ तुम वही हो जाए, इच्छा जो भी हो या तुम्हारी सारी नरसिंह को भी जाओ जैसे पाओ अधिकार वैसे। उत्तर प्रभु का प्राप्त कर मोहन हुए प्रसन्न, सोचा अब नरसिंह का काज करें संपन्न। महाप्रभु राम लाल की जय, मोहन की जय। चल मोहन ऋषिकेश से आए ब्रज के धाम, खुले नेत्र ऋषिकेश से लगे नरसिंह के नाम। महाप्रभु राम लाल की जय, वो जगह महाराज जी ने मुझे दिखाई थी। संजय कौन कौन सी गली है वहीं का है, मान गली, तान गली और कुंज गली, तीन गली हैं। तीन गलियों के चौराहे पे महाराज जी ने ऐसे, महाराज जी मेरे को बोले जी देख लो तुम मुझे, उसके तिरह पर ऐसे गोलाई गई थी। अब गोलाई करने से क्या हुआ, श्री मोहन वृंदावन आए नाम में हरिहर जाए, जहाँ श्री मोहन बैठे आकर प्रभु का ध्यान लगाकर, निकल घर श्री नरसिंह आए सखियों वाला रूप सजाए, उसी भाव से कहा था ठूला गुरुदेव प्रभु को भूला, गीत सखी गुरुदेव के गाता देखा जब मोहन ने आता, नरसिंह को आवाज लगाई बोले ने क्या दशा बनाई। अरे नरसिंह वो तो मस्ती में झूम रहे थे नारी बन के, राधे 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 श्याम राधे पड़े। अरे क्या बना लिया तेरे अपने आपको, आहा आवाज लगाई महाराज जी ने, क्या हुआ
प्रभु जी का तू लाडला प्यारा, ये क्या रूप स्त्री का धारा, ये क्या रूप नार का धारा, ये क्या रूप नार का धारा। हाँ, जब मोहन इस विधि समझाए, हर्षिक जोश बहुत तब खाए, नरसिंह जी गुस्से में आ गए, बोले योग हमें नहीं भाता, क्या उससे अब मेरा नाता, इश्क हमारी राधा रानी, गुरु हमारे परम सुजानी, तुम भी इस योग को छोड़ो, काली राधा से जोड़ो, राधा सकल जगत की माता, राधा भाव मोक्ष का दाता, मोहन से तकरार सह न मोहन कर सके, उनका ये व्यवहार मोहन की है। अब तुम्हारा जी को जोश आता तो हरियाणा स्टाइल हो जाते, भरे जोश में डांट पिलाए, प्रभु की याद दिलाई, तब नरसिंह ने शर्त लगाई, नरसिंह जी शर्त लगा के महाराज जी से, अगर बड़े हैं प्रभु तुम्हारे, तो यही गुरु हमारे, दोनों की बात चल रही है, अगर तुम्हारे तुम्हारे कह लें अपनों को, तुम्हारे कह लें तुम्हारे गुरु बड़े हैं, तो उनकी कृपा से मेरे गुरु को यहाँ बुला के रखा था, बोला की चाय चार बजे तक यहाँ पर आवे, अब हम यही तुम्हारा पावे, बोला एक बोल एक खींचा तब घेरा, बड़ा इसमें गुरुवर मेरा, मोहन बोले अच्छा भाई, होवे ही तेरी मनचाही, गुरु तुम्हारे देर न जावे, ठीक वक्त तेरे में आवे, यत्न किया मोहन ने जारी, तुमर के प्रभु जी लीला धारी, महाराज जी आंखें बंद करके पड़े हुए, अच्छा चार बजे से पहले तेरा गुरु को यहाँ खींच के दिखा दूंगा इस गोले में, भंडारी को प्रेरणा कर रहे मोहन धीर, मगर चला नहीं धाम को कज वह संत कर, प्रभु रामलाल की जय, मोहन की जय, भूत लात के ना सुने सीधे मार्ग बात, युक्ति हुई चरितार्थ ये सभी गुरु के साथ, प्रभु रामलाल की जय, मोहन की जय। जब नरसिंह जी का गुरु नहीं चल रहा तब फिर दूसरा उपाय करना पड़ा था, मिनट शेष कुछ ही बाकी थी, अभी तक बैंक हट रही, उठा नहीं निज आसन त्यागा, हम बहुत मन अंदर जागा, तभी सुनी उसने नव वाणी, अमुक जगह पहुंचो अभिमानी, चार बजे तक अगर न आओ, कंड विकट तुम निश्चित पाओ, जिसने पहले चिमटे मारे, ऋषि केश तब आसन डारे, वही अब भी वृंदावन आए, बैठे हैं या तुम्हें बुलाए, ये ढोल की क्या वहां देखो, क्या पग उसके अंदर देखो, पल की देर करी फिर नाई, पहुंचा दौड़ बेग मुड़ लाई, दर्शकियों का जहां था सारा, आकर उनका गुरु पधारा, स्वयं दूसरा घेरे में आई, पांच
बहुत हैरान, मन में फौरन छा गई श्री प्रभु जी की शान। मान तब चल दिए कहा चरण चरण प्रभु की पाकर दीक्षा देने के अधिकारी शाप के कारण दुर्घटना में गिरे अकारण चित्र शीश प्रभु जी का धारा प्रभु नाम का अंत पुजारा नश्वर देह योगी ने त्यागी मन कर पूर्ण विरक्त वैरागी जीवन भर करते गए परजन हित उद्योग तजनश्वर संसार को जा बैठे प्रभु को प्रभु नाम नाम की है ऋषियों के इस देश का साक्षी है इतिहास नर नारी के भेद पर कभी न था विश्वास प्रभु नाम नाम की है शब्द कह के आरती करते हैं आज आठवां दिन है सातवां दिन और कल आठवां दिन होगा। अभी वैसे तो श्री माता जी गुरु मां की बात तो बोलने का कोई औचित्य है ही नहीं लेकिन वो ब्रह्म सदगुरु सत्ता उसका ना आदि है ना अंत है ना मध्य है ना शुरू है वो तो हर जगह सर्वत्र है शुरू में भी है और मध्य में भी और आखिर में भी है। बैठे बैठे मेरे मन में विचार है क्योंकि मुझे गुरुदेव ने आज समाज में पढ़ाया है तो मैं शांत नहीं रह सकती थोड़ा सा अपने विचारों को जरूर रखूंगी। धर्म को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। धर्म एक ही है सत्य सनातन वैदिक धर्म जो प्राचीन काल से चला आ रहा है लेकिन शिव महाराज जी हमारे काल में मुन्ने मुन्ने मतिर भिन्ना हर मनुष्य के
अनुसार अपने आप मत बनते चले जाते हैं और मत बताकर फैलते चले जाते हैं। इसी प्रकार के सखी संप्रदाय भी आपने सुना। सखी संप्रदाय क्या हो सकता है? एक किसी व्यक्ति का जिसको जो प्यारा लगा उसने वही संप्रदाय नियुक्त कर दिया, बना लिया, मान लिया, उसी पर चलने लग गए। लेकिन हम किस धर्म को मानने वाले हैं? स्मार्ट स्मृतियों को, वेदों को मानने वाले हैं? वैष्णव? वैसे तो भगवान विष्णु को मानने वाले होते हैं, वैष्णव उन्हीं को कहते हैं, और शैव शक्ति के मानने वाले हैं। बौद्ध जैन जैन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म ये प्राचीन काल से चला रहा है। और ये योग योग की परिपाटी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोवृक्षाभवे ब्रवीत्। यह योग परंपरागत मैंने इक्ष्वाकु वंश को कही, इक्ष्वाकु मनोरिक्ष्वाकु में प्रवीत मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को कही और इक्ष्वाकु ने विवस्वान ने इक्ष्वाकु, और फिर इस प्रकार की परंपरागत प्राप्त हुई। इमं विवस्वते योगम विवस्वान कौन इसको कहते हैं? सूर्य भगवान को। और सूर्य को किसने दी? भगवान स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं विवस्वान मनवे प्राह मनु महाराज को दी, और मनु से मनो इक्ष्वाकवे प्रवीत मनु ने इक्ष्वाकुवंशीय इस प्रकार परंपरागत प्राप्त है। लेकिन वेदों में भी कैसे हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन हिरण्यगर्भ को आदि वक्ता कहा गया योग का। और हमारे दादा गुरुदेव से तो सिद्ध योग अनादि काल से चला रहे हैं। यजुर्वेद में सिद्ध योग के विषय में महर्षि दयानंद ने भी वर्णन किया कि सिद्ध योग यदि सीखना है तो सिद्ध गुरुओं की शरण में जाकर सीखें। आजकल के लोगों ने क्या चला दिया? माताएं भी हैं बहुत सी तथाकथित, उन्होंने क्या चला दिया कि कुंडलिनी जागरण सहज योग को सिखाने के लिए हिमाचल आदि में अपनी संस्थाएं चला दी है और उसमें मांस भक्षण करा रहे हैं। और मांस भक्षण करा के सीताराम के बॉडीगार्ड कहां के गवर्नर के चंडीगढ़ से आए हमारे साथ थे और फॉरनर्स भी बैठे थे, बच्चे भी हिंदुस्तानी के लोग थे, वो कहते कि हमारे हिंदुस्तानी नहीं समझते थे। तो हमें कष्ट हुआ, मैंने कहा हिंदुस्तानी तो आप लोग भी हैं, योग का मतलब क्या है? नहीं बता पाएगी, हमने तो कभी समझा ही नहीं। इस दरबार में योग का मतलब शाब्दिक भी और व्यावहारिक भी प्रैक्टिकल सिखाया जाता है और शक्ति पर। तो सिद्ध योग मार्ग में विषय ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रही, सूक्ष्म में कहूंगी कि वो कुंडली जागरण तिलक माथे पे लगा के और कुंडली जागरण करा देते हैं। इतना मदारियों का खेल नहीं है ये कि डुगडुगी बजाई और योग साधना और कुंडली षटचक्रों का भजन हो गया, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर सहस्त्रार ऐसे ही चालू हो गए और यीशु माता जी ऐसे ही बैठी हुई नहीं है। बचपन से लगाई हुई है इनको गुरुदेव ने, और कितने जन्म जन्मांतरों की साधना होती है तपस्या, जो ऐसे ही कोई माता जी बन जाए तो ऐसे और परम योगी नहीं लिखना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होता। जब मैं छोटी होती थी छुट्टियों में आया करती, मैं देखती शिव माता को 4 बजे उठ जाया करते और 4 बजे से 8-9 बजे तक संगीत रियाज नास्ती नाथ सदृश लय, संगीत से बढ़ के जल्दी लयता देने वाला कोई माध्यम नहीं। उसके बाद भी 4 बजे उठती 4 बजे उठ गए, मैंने कहा शिव माता जी रात को 12 बजे उठेंगे, आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा लेट हो जाएगी तो आप थोड़ा लेट नहीं, 4 बजे उठ गए करके आप फुलगी थी और भोजन भी बना दिया, रोटी बना के भोग लगा के आगे 1 घंटे आसन करके दौड़ लगा के तब आई बोलो सांचे। तो इसी को कहते हैं सतगुरु मां शक्ति प्रकाश
किसको कहते शक्ति तत्व, कोई बता रही हूँ मैं, शाम को तो पता नहीं क्या होगा। इस समय तो मेरा यही मन हो रहा है कि योग आसन और योग ध्यान में पद्मासन में बैठी हुई श्री माता जी जब अनुष्ठान काल में श्री महाराज जी ऊपर वापस थे, प्राण कोश ऊपर पहुंच गए थे और श्री महाराज जी ने ताली बजाई तो एकदम प्राण निकल गए थे, एक समझ लीजिए। तो श्री महाराज जी ने ऐसे हाथ धरा और कहा नहीं तुम नीचे के कार्यों को देखो, इसको कहते सिद्ध योगिनी बनाना किसके हाथ में है, सिद्ध योगियों के हाथ में। और कैसा दरबार है ये, कोई योनि की चूर्ण की गोली थी और योग आ गया और थोड़ा सा प्राणायाम सिखाया तो आ गया, नहीं ये तो परंपरागत और सिद्ध गुरु की शरण में रहकर के ही सीखा जाता है। सखी संप्रदाय आदि बहुत से मत मतांतर है, वो तो थोड़े बड़े पंसारी की दुकानें खुल जाती है। तो असली श्री माता जी के मुखारविंद से बना हुआ, लेखिनी से बना हुआ भजन है। कुछ लोग इसकी डिमांड करते भी हैं कि सुना देंगे। सिद्ध गुफा से चल रही है ये गठरिया, सत्य जाओ शिवाय नहीं जा सकता।
मैंने कहा महाराज प्रभु जी उस कमरे में जा रहे हैं, कैसे चुप रहो, आप कर दीजिए। श्री माता जी के पीछे सड़क दिखाई दिए गुरुदेव, बिल्कुल पर मैं श्री माता जी के चरणों में लिपट के रो रही हूँ। गुरुदेव की कृपा कैसे कब वहां दर्शन दे दे बहादुर। Oh, I know.
सकल भूतनाथम परम गुरुदेव सकल भूतनाथम कलानाद सोतम नमामि नमः कलानाद सोतम नमामि नमः सदा योग गुणम सदा शिव स्वरूपम Yeah.
इतना आनंद आ रहा है।